अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अयूब, आप देख रहे हैं इजी फैशन चैनल। दोस्तों आज मैं आपको सैमसंग J7 प्रो का गूगल अकाउंट बाईपास करने का तरीका बताऊंगा कि आप इसको बिना किसी कंप्यूटर के किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। दोस्तों ये एंड्रॉयड 9.0 है, आज मैं आपको इसको बाईपास करने का तरीका बताऊँगा। इसको बाईपास करने के लिए आपको किसी कंप्यूटर, किसी डोंगल, किसी सॉफ्टवेयर या किसी OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये गूगल अकाउंट पे रुका हुआ है, अभी हमने इसको बाईपास करना है। दोस्तों 9.0 को बाईपास करने के बहुत से मेथड यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस पे वो तमाम वर्क नहीं कर रहे हैं। मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। दोस्तों सेटिंग में जाकर यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम ब्राउज़र में जा सकते हैं दूसरे किसी भी मोबाइल के 9.0 में, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। दोस्तों दोबारा बैक आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ एड नेटवर्क पे कुछ भी टाइप करके हम यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऑप्शन मौजूद नहीं है। दोबारा बैक आ जाएं, यहाँ टॉप बैक ऑप्शन ऑन करके हम जा सकते हैं एंकर सर्कल बनाकर, वो भी मेथड इस पर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, उसके बाद एक और मेथड था पुराना जिसके ज़रिए हम उसको बाईपास करते थे 9.0 को। आपने सिम पे कोड लगा देना है, सबसे पहले आपने सिम कार्ड पे कोड लगा देना है, उसके बाद इसमें मोबाइल में उस सिम को लगा देना है। दोस्तों तो इस तरह का ऑप्शन आ जाता था, दोस्तों देख सकते हैं आप। उसके बाद हम इसमें कोड मिलाते थे, जो भी आपने इसका लॉक कोड क्रिएट किया है। दोस्तों जैसे हम ओके करेंगे इसको पावर ऑफ कर देना है, ये इस तरह कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये पुराने तरीके से भी बाईपास नहीं हो रहा है, हम ब्राउज़र में नहीं जा सकते। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक सिम की ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरह ये मेरे पास सिम लॉक वाली है। आप कोई भी सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आपने लॉक कर देना है, कोई भी कोड लगा देना उसको, उसके बाद आपने इसको लगा देना है। देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसको लगाने से पहले आपने एक काम करना है। दोस्तों इसको दोबारा हम निकालेंगे, इसको दोबारा लगाएंगे तो इस तरह आपने नीचे इस तरह सर्कल करना है इसको। ये आपको निशान नज़र आ रहा है, ये आ जाना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं आए तो दोबारा आप सिम को निकाल के दोबारा इस तरह कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। जब ये आपके सामने आ जाए तो आपने अपने सिम का कोड इसमें लगा देना है, जिससे आपकी सिम अनलॉक होती है। जैसे आपने कोड को ओके करना है, उसके बाद आपने फौरन ये नोटिफिकेशन सेटिंग आपको सामने नज़र आ रही है, इस पर आपने प्रेस करना है। मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप इसको ओके करेंगे, जब भी नहीं हुआ दोबारा कोशिश करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं दोबारा वही ऑप्शन मैंने इसका निकाला है। दोस्तों अभी दोबारा इसका अनलॉक करेंगे, आपने फौरन यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी नहीं हुआ है, दोबारा चेक करते हैं। देख सकते हैं अभी इसका ऑप्शन दूसरा आ चुका है। दोस्तों दोस्तों जैसे ये पेज आपके सामने ओपन हो जाए, दोस्तों देख सकते हैं ये, तो आपने आ जाना है CR पे। ये आपको नज़र आ जाएगा स्टेटस बार के नीचे होते हैं CR, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके मोस्ट रिसेंट यहाँ पे आके इसको ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे इस तरह सारे एप्लीकेशन आपके सामने शुरू होंगे। उसके बाद आप
उसके बाद आपने स्क्रॉल इसको कर लेना है, आपको दो एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आएंगी, आपने इन दोनों को डाउनलोड कर लेना है। इसको अलाउ कर देना है आपने। आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, आपने बैक आ जाना है और ये दूसरी एप्लीकेशन इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डाउनलोड एज फ्री मेंबर। तो दोस्तों ये भी डाउनलोड शुरू हो चुकी है। अब इन दोनों एप्लीकेशन को ढूंढने के लिए आपको नीचे इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आपको नीचे एन का सर्कल नजर आएगा, ये देख सकते हैं एन लिखा हुआ, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन नज़र आ जाएगा, डाउनलोड्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं दोनों एप्लीकेशन डाउनलोडिंग में अभी। दोस्तों जैसे ही ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएं, आपने 7.0 वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। सेटिंग में जाएंगे, इसको अलाउ कर देंगे, देखेंगे नेक्स्ट इंस्टॉल। जैसे ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाए, आपने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। दोस्तों अभी हमारी दूसरी एप्लीकेशन अभी ये डाउनलोडिंग में है, ये जब कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि दूसरी हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड हो चुकी है। अभी हमने दूसरी को इंस्टॉल करना है। दोस्तों इंस्टॉल इसको आपने ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करेंगे तो इस तरह आपको बैकग्राउंड इसका नज़र आ जाएगा। आपने इसकी बाईपास FRP में जाना है, जहां आपको सेटिंग ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, तो आप मोबाइल की सेटिंग में पहुँच जाएंगे। सेटिंग में पहुंचने के बाद आपने यहाँ सिक्योरिटी में आना है। दोस्तों बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी आपको नज़र आएगा, इसमें आ जाना है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे अदर सिक्योरिटी सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिवाइस एडमिन एप्स, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपको टिक का निशान नज़र आ रहा है, आपने इसको अनचेक कर देना है। इसके लिए उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको डीएक्टिव कर दें, आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद
अभी आपने जाना है ऐप्स में, इसमें जाएंगे ऐप्स में जाके आपको दो एप्लीकेशन डिसेबल करने पड़ेंगे, गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर, इसको आपने डिसेबल कर देना है। इन दोनों एप्लीकेशन को आपने डिसेबल करना है। ये दोनों डिसेबल करने के बाद आपने बैक आ जाना है। अभी आपने आना है यहाँ पे, आपने अकाउंट एंड बैकअप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा ऊपर, यहाँ पे आपने प्रेस कर देना। इसके बाद एड अकाउंट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। अभी आपने यहाँ गूगल पे प्रेस कर देना है दोस्तों। अभी यहाँ पे आप अपनी कोई भी जीमेल आईडी डाल सकते हैं। अभी आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा गूगल अकाउंट इसमें ऐड हो चुका है। अभी आपने दोबारा बैक आना है। दोबारा बैक आके आपने ऐप में जाना है और दोनों जो हमने एप्लीकेशन को डिसेबल किया था उनको अभी आपने इनेबल करना है। इनेबल कर दें, उसके बाद आपने अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना। नेक्स्ट करें इसको, आप देख सकते हैं कि हमारी एडी इसमें ऐड हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट कर दें। डोंट स्टोर कर दें इसको। नेक्स्ट कर दें। नॉट स्किप एनी वे। इसको कंटिन्यू कर दें। एक्सेप्ट। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल बिल्कुल अनलॉक कर चुका है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करो और मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी ये ट्रिक इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को अनलॉक किया है। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।